Let's see the next exercise. There are farm animals, water animals, and jungle animals in this picture. Help the animals reach their homes. Draw lines. यहाँ पे देखो, इस पूरे पिक्चर में एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स दिए हुए हैं। इसमें हमें कहा है देर आर फार्म एनिमल्स, फार्म में रहने वाली एनिमल्स, वाटर एनिमल्स, पानी में रहने वाले एनिमल्स एंड जंगल एनिमल्स इन दिस पिक्चर्स। इस पिक्चर में तीन टाइप के एनिमल दिए हैं, जो फार्म में रहते हैं वो एनिमल, वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं वो एनिमल एंड जंगल में रहते हैं वो एनिमल्स दिए हुए हैं। हेल्प द एनिमल्स रीच देयर होम्स। अब इस एनिमल को हमें रास्ता दिखाना है उनके घर तक पहुंचने के लिए। ड्रॉ लाइंस, उनके घर तक पहुंचाने के लिए हमें लाइंस ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फार्म दिया हुआ है, FARM, फार्म, फार्म यानी खेत। ये है वाटर, पानी, और ये है जंगल, बहुत सारे पेड़ दिख रहे हैं, तो ये है जंगल। तो हमें ये तीन होम्स दिए हुए हैं। ये एनिमल जहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ हमें लाइन खींच के उनको उनके घर का रास्ता बताना है। एक तो हमारे लिए एग्जाम्पल के तौर पे किया हुआ है, ये है हॉर्स, HORSE, हॉर्स। हॉर्स कहाँ पे रहता है? फार्म में, है ना। हमें हमारे आसपास वो रह सकता है हॉर्स, तो हॉर्स का घर का रास्ता हमें बताया हुआ है, ये रहा फार्म में। अब है बियर, बियर कहाँ पे रहता है? वो तो वाइल्ड एनिमल है, तो कहाँ पे रहता है? जंगल में। तो हम उसका रास्ता बताएंगे उसको इस तरह से, आ गया वो जंगल में। दूसरा है BUFFALO, बफेलो। बफेलो यानी भैंस, भैंस खेत में होती है ना, तो ये रहा उसका रास्ता, आ गया। दूसरा है HEN, हैन। हैन भी फार्म में होती है, तो ये आ गया उसका घर। DOG, डॉग। डॉग भी फार्म में रहता है, तो ये आ गया डॉग। अब ये है क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। मगरमच्छ कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है, तो हम उसको भी उसके घर तक पहुंचा देते हैं, ये रहा आ गया उसका घर। FROG, फ्रॉग। फ्रॉग यानी मेंढक, है ना, तो मेंढक रहता है पानी में, तो हम उसको भी उसके घर तक पहुंचा देते है, पहुंच गया। COW, काव। काव कहाँ पे रहती है? फार्म में, तो उसको भी उसका घर का रास्ता मिल गया। अब है MONKEY, मंकी। मंकी कहाँ पे दिखता है? जंगल में, तो ये रहा उसके घर का रास्ता। ये है Rhinosaurs, RHINOCEROS, Rhinosaurs। Rhinosaurs कहाँ पे देखने को मिलता है? वाइल्ड एनिमल है, तो ये है जंगल में। ये है जिराफ, GIRAFFE, जिराफ। जिराफ कहाँ पे रहता है? जंगल में। तो यहाँ पे हमें वाटर एनिमल, जंगल एनिमल और फार्म एनिमल्स दिए हुए है, तो हमने इसको क्लासिफाई कर दिया, उनको उनके घर तक पहुंचा दिया। अब हम देखते हैं मैंने इसमें लिखा हुआ है फार्म एनिमल्स। फार्म एनिमल्स कौन कौन से थे? हॉर्स, बफेलो, हैन, डॉग, काउ।
वॉटर एनिमल्स, क्रोकोडाइल, फ्रॉग। आप दूसरे भी वॉटर एनिमल्स के नाम लिख सकते हो, है ना? कौन कौन से दूसरे हैं? ऑक्टोपस, ऑक्टोपस पानी में रहता है। फिश, मछली, टर्टल, कछुआ, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो पानी में रहते हैं। आपको भी दूसरे एनिमल्स को ढूंढना है जो पानी में रहते हैं। वैसे फार्म में भी रहने वाले दूसरे एनिमल्स का नाम भी आपको सोचना है। जंगल एनिमल्स, बियर, मंकी, जिराफ, राइनासोरस, है ना? वह ये जो चारों है एनिमल्स वो जंगल में रहने वाले हैं, वाइल्ड एनिमल्स है। आपको दूसरे भी वाइल्ड एनिमल्स के नाम सोचने हैं जो जंगल में रहते हैं। मैंने यहाँ पे दो लिखे हैं, लायन, टाइगर। वैसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जंगल में रहने वाले, वो आपको सोचना है। SING, सिंग, सिंग यानी गाना, ये गाना है हमें। बो वो सेज द डॉग, बो वो सेज द डॉग। म्यू म्यू सेज द कैट, म्यू म्यू सेज द कैट। ब्लीट ब्लीट सेज द गोट, ब्लीट ब्लीट सेज द गोट। रोर रोर सेज द लायन, रोर रोर सेज द लायन। हेलो हेलो सेज द चाइल्ड, हेलो हेलो सेज द चाइल्ड। यहाँ पे हमें अलग अलग आवाज बताई हुई है कि कौन सा एनिमल किस तरह का साउंड बनाता है, वो जो अंदर अंदर बात करते हैं जैसे हम लोग बात करते हैं वैसे वो भी आवाज निकालते हैं, तो उनकी आवाज को क्या कहते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नाउ लेट्स सिंग। बो वो सेज द डॉग, बो वो सेज द डॉग। म्यू म्यू सेज द कैट, म्यू म्यू सेज द कैट। ब्लीट ब्लीट सेज द गोट, ब्लीट ब्लीट सेज द गोट। रोर रोर सेज द लायन, रोर रोर सेज द लायन। हेलो हेलो सेज द चाइल्ड, हेलो हेलो सेज द चाइल्ड।